नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है कृषि कानूनों के विरोध के बीच गांधी का अनादर। भारत में नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों ने भारतीय दूतावास के बाहर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर किया है। अमेरिका के विभिन्न राज्यों से जुटे सैकड़ों खालिस्तानियों ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास तक कार रैली निकाली थी। इस दौरान भारत विरोधी पोस्टरों और बैनरों के साथ काफी लोग वहां जमा हो गए थे। उन्हीं में कुछ युवक हाथों में कृपाण लिए पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर एक पोस्टर लगा दिया। इस समूह ने भारत के विरोध में और खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। इस संदर्भ में भारतीय दूतावास ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के रूप में गुंडागर्दी करने वाले लोगों से निपटने के लिए उन्होंने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष कार्रवाई की मांग की है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सामने भी यह मामला उठाया है। यह सारी घटना वाशिंगटन डीसी पुलिस और सीक्रेट सर्विस के लोगों की मौजूदगी में हुई है, जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के गले में रस्सी डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा दिया गया और खालिस्तानी झंडे से प्रतिमा को ढक दिया गया। गौरतलब है कि ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ महीनों पहले भी रेसिज्म के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गांधी जी की मूर्ति को अपमानित किया गया था। महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सितंबर 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में अनावरण किया था। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आंदोलनकारी किसानों का समर्थन किया था और कहा था कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। ये बयान तब आए जब कनाडा में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह भारत के कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में लंदन में भी इन कानूनों के खिलाफ खालिस्तानी अलगाववादियों की मदद से प्रदर्शन किए गए थे। इन प्रदर्शनों के पीछे एसएफजे नाम के खालिस्तान समर्थक संगठन का हाथ होने की आशंका है, जो कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप में प्रदर्शन करवा रहा है। हाल ही में कनाडा के एक थिंक टैंक मैकडोनाल्ड लारियर इंस्टीट्यूट ने खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि 9 आतंकी विदेशी भूमि से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश में है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान यूरोप की अति उदारवादी नीतियों का फायदा उठाते हुए भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवादियों की फसल पैदा करने में लगा हुआ है, अतः इसके इरादों को नष्ट करने का यही उचित समय है। इसमें देर होने पर यह समस्या पूरे यूरोप के लिए घातक होगी। सिक्स फॉर जस्टिस नामक संगठन कनाडा, यूरोप और अमेरिका में भारत से पंजाब को अलग करने के लिए जनमत जुटाने में लगा हुआ है। इसमें उसका सहयोग प्रमुख रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कर रही है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान यह संगठन पंजाब के सिख किसानों को भी अपनी योजना में शामिल करने की कोशिश में लगा है। इन संगठनों की नीयत के बारे में जानने के बावजूद कनाडा, अमेरिका तथा यूरोप के किसी भी देश को भारत के अंदर चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें इन देशों के राजनीतिक बयानों से उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।